हाय सुशांत है। आज हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। जैसा कि हम पुराने वीडियोस में बात कर चुके हैं, हमारे खाने से हमें तीन मेन न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें मैक्रोस कहते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। उनमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मेन काम होता है बॉडी को एनर्जी देना, एनर्जी प्रोवाइड करना। अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी, अगर आप कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो आपको कम एनर्जी फील होगी। अगर आप कम कार्बोहाइड्रेट खा के अपना वर्कआउट करने जाते हैं तो हो सकता है आप उतना वेट ना उठा पाएँ जितना आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा करके वर्कआउट करने जाते हैं तो उठा पाते हैं। पर इसकी भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप कितने भी खा करके जाएंगे तो और आप वज़न ज़्यादा उठा पाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने आपको बताया है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की इनटेक को अगर आप कार्बोहाइड्रेट को पूरे दिन में नहीं खाते हैं या खाना बहुत कम कर देते हैं तो इससे आपकी बॉडी को मोस्टली कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। जबकि अगर आप प्रोटीन या फैट नहीं खाते तो इससे आपकी बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट होता है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कम खाते हैं या बहुत कम खाते हैं तो आपकी बॉडी पे जो एक आपको फीलिंग आएगी वो बस ये है कि आपको थोड़ी कमज़ोरी महसूस होगी, लेकिन वो दूर हो जाएगी जब आप वापस से कार्बोहाइड्रेट खाने लग जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी डाइजेस्ट होकर के हमारी ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ा देंगे, और कार्बोहाइड्रेट्स जो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होंगे तो वो हमारी ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। एकदम से हमारी ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाते हैं तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करनी चाहिए और कम सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्ट का जो मेन काम है वो ये है कि वो बॉडी में जा कर के डाइजेस्ट होने के बाद में सीधा ब्लड ग्लूकोज बन करके ब्लड शुगर में मिल जाते हैं। जैसे प्रोटीन है तो वो बॉडी में जाने के बाद में मसल बिल्ड करने में यूज़ हो सकता है। फैट है तो वो आपकी बॉडी में जा कर के आपके हार्मोन्स के लेवल्स पे इम्पैक्ट करता है कई तरीके से। कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद डायरेक्टली आपकी ब्लड में जाएंगे। अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो वो एकदम से ब्लड में चले जाएंगे फट इमिजिएटली, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर के धीरे धीरे ब्लड में जाएंगे, पर वो जा कर के कोई भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट आपकी ब्लड शुगर ही बनेगा। मैं अपने अगले वीडियो में सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा। बाय बाय।